हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। आई एम ललित सोनी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ, थोड़ा स्वागत आपका गुरु नीति 180 वर्सेज 180 के अंदर। और आज अपन डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम 6, जिसमें आपका है डिवीजन टेरिडोफाइटा। बिल्कुल, तो टेरिडोफाइटा से रिलेटेड क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा टेरिडोफाइट के बारे में आपको कुछ ब्रीफ कर देते हैं। बिल्कुल, कुछ उसके बारे में अपन जानकारी प्रस्तुत जो लाइफ साइकिल वगैरह एक बार आपको दिखा देते हैं कि टेरिडोफाइटा में क्या लाइफ साइकिल होता है, उसकी कैसी बॉडी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ध्यान दीजिए बेटा कि टेरिडोफाइट, बिल्कुल, जो पादप समूह है टेरिडोफाइट्स, वो पृथ्वी पर प्रथम सोनी पादप थे। यानी अपन ऐसे कहें कि दे आर मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग और फॉसिल। बिल्कुल, वैस्कुलर प्लांट, लिविंग और फॉसिल वैस्कुलर प्लांट। तो आप समझ रहे हैं कि भी जब वैस्कुलर टिश्यू आए, सवन उत्तक आ गए, तो प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट हुआ रूट, स्टेम और लीफ में। तो पृथ्वी का प्रथम पादप समूह है जहां पादप शरीर सत्य प्रकार की ट्रू टाइप की रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट है, जड़ तना पत्ती में विभेदित है। और वो ट्रू टाइप के इसीलिए है क्योंकि उसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है और थोड़ी बहुत इन्होंने हाइट भी ली क्योंकि कंडक्शन के लिए टिश्यूज आ गए। हां बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं कि ये प्रथम सफल स्थली पादप है, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। हालांकि पूर्णतः सफल स्थली नहीं है, क्यों? क्योंकि इनको भी निषेचन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइजेशन में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल, लेकिन आप समझ रहे हैं कि देखिएगा कि ब्रायोफाइटा में जहां मुख्य पादप काय गैमेटोफिटिक था। बिल्कुल, और गैमेटोफिटिक तो था लेकिन जो अल्टरनेट इंटरमीडिएट स्पोरोफिटिक था, और स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक पर डिपेंडेंट थी। ये ओनली एंड ओनली पृथ्वी पर एक ही पादप ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा है, एकमात्र पादप समूह है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से किसके अंदर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है, तो समझ आना ब्रायोफाइट हो जाएगा। इसके पश्चात आप जानते हैं कि टेरिडोफाइटा से मुख्य पादप काय स्पोरोफाइटिक हो गया। बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं, तो और जड़ तना पत्ती में विभेदित आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, अपन थोड़ा सा लाइफ साइकिल पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो टेरिडोफाइटा का जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट और मैन प्लांट बॉडी, बिल्कुल प्रभावी पादप का डोमिनेंट मैन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है, वो ट्रू रूट स्टेम लीफ में विभेदित है। तो आप समझ सकते हैं कि स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है जो मैन प्लांट बॉडी है। बिल्कुल, और हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, उच्च संगठित है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का मीन हो गया कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम, स्टेम एंड लीफ, एंड लीफ, और सबकी सेल की जो प्लॉइडी है वो 2n है। सबकी प्लॉइडी 2n है, 2n है। अब आप समझ सकते हैं कि जब स्पोरोफिटिक मैन प्लांट बॉडी होता है, बिल्कुल, तो एक मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, न्यूनतम कायिक वृद्धि होती है। बिल्कुल, उसके बाद साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां पे आपकी आएगी स्पोरोफिल्स, उसमें स्पोरेंजिया होगी। बिल्कुल, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरजिनस टिश्यू, टिश्यू जो बीजाणुजन उत्तक होगा। फिर लीफ में स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोरजिनस टिश्यू, टिश्यू। फिर स्पोर मदर सेल, तो स्पोर मदर सेल के अंदर स्पोरिक मियोसिस होगा, तो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए मैन डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होगी, मैन प्लांट बॉडी हाईली ऑर्गेनाइज्ड हो गई, मैन प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम और लीव्स हो गई। जनरली यहां एडवेंटियस रूट है क्योंकि सीड नहीं है, तो एडवेंटियस रूट है। बिल्कुल, और आप समझ सकते हैं जो स्टेम है वो हर्बेसियस नेचर का, सॉफ्ट है, और लीव्स आप जानते हैं कि जनरल जो यूनिपिनेट या इसमें एक सिंपल वीन, एक एकल सिरा आपकी होती है। बिल्कुल, तो रूट, स्टेम और लीव्स। लीव्स, अब आप समझ सकते हैं कि एक मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ के पश्चात प्लांट के ऊपर रिप्रोडक्टिव लीव जाएंगी, तो उसको अपन कहते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स मतलब ऐसे लीफ जिस पर स्पोरेंजिया पाई जाती है, उसको बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल की अबेक्सियल सरफेस पे स्पोरेंजिया होगी, तो आप समझ रहे हैं कि स्पोरेंजिया। बिल्कुल, स्पोरेंजिया पाई जाती है। और स्पोरेंजिया में आपको सीधा बता दूं कि स्पोरेंजिया में स्पोरजिनस टिश्यू होगा। बिल्कुल, तो वहां अपन बात करेंगे स्पोर मदर सेल। हाँ बिल्कुल, स्पोरेंजिनस टिश्यू जो है उससे बन जाता है स्पोर मदर सेल। अपन ने डिस्कस किया था कि ब्रायोफाइट्स तो सारे के सारे होमोस्पोरस हैं। होमोस्पोरस, यहां टेरिडोफाइट भी मोस्ट ऑफ होमोस्पोरस होंगे। बिल्कुल, अगर एक ही टाइप की स्पोरेंजिया हुई और एक ही साइज के स्पोर बने। बिल्कुल, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स हेटरोस्पोरस भी होंगे, विषम बीजाणु भी होंगे, जिनको हम एडवांस कंडीशन बोलते हैं। बिल्कुल, और फिर वो प्रीकसर सीड नेचर यानी पूर्ववर्ती बीजी स्वभाव को लेके आएंगे। अब देखिए सर कि स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, स्पोरिक मियोसिस। भैया स्पोरिक मियोसिस क्यों है, क्योंकि इस मियोसिस से स्पोर बन जाते हैं। बिल्कुल, तो इंटरमीडिएट स्पोरिक मियोसिस। बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं कि स्पोर्स बनेंगे। जनरली अपन कंसीडर करते हैं कि होमोस्पोरस है। बिल्कुल, तो एक स्पोर मदर सेल से 4 हैप्लोइड स्पोर, हैप्लोइड स्पोर, तो स्पोर आपके फॉर्म हो गए। बिल्कुल, तो देखिएगा कि ये स्पोरोफिटिक जनरेशन जो 2n है, तो स्पोरोफिटिक जनरेशन की जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल वो आपकी होगी स्पोर मदर सेल। मतलब स्पोर मदर सेल तक 2n है,
इससे पहले 2-1 है, अब स्पोर मदर सेल के बाद में एन कंडीशन आ गई। अब आप समझ सकते हैं कि जो स्पोर है हैप्लोइड स्पोर, तो स्पोर का जर्मिनेशन होगा, स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो टैडोफाइट का जो गैमेटोफाइट डेवलप हो वो बन जाएगा, और गैमेटोफाइट आप समझ सकते हैं कि जो होमोस्पोर्स होते हैं उसमें स्पोर्स एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट करते हैं, बिल्कुल, यानी पेरेंट प्लांट से अपन बात करें कि वो रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और जो डैम सोयल में नमी वाली मृदा में वो गिरता है स्पोर, तो उसका जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन होते हैं आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो स्पोर के जर्मिनेशन से यहाँ टेरिडोफाइटा का जो गैमेटोफाइट है वो जनरली आप जानते हैं हार्ट शेप्ड प्रोथलस होता है, और हार्ट शेप्ड प्रोथलस होता है तो फोटोसिंथेटिक भी होता है, फोटोसिंथेटिक भी है प्रोथलस। तो अपन कहें बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि द गैमेटोफिटिक ऑफ टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट क्या है, तो प्रोथलस है, प्रोथलस है, ठीक है। और जो हार्ट शेप्ड होता है मल्टीसेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, यहाँ राइजोट्स भी पाए जाते हैं, बिल्कुल, और आप जानते हैं लेस ऑर्गेनाइज्ड है, कम संगठित है, लेस ऑर्गेनाइज्ड, इनकॉन्स्पिसनेस है, मतलब अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, लेस ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल क्लियर। और आप जानते हैं फिर यही सेक्स ऑर्गन को बियर करता है, यानी इनसाइड आप समझ सकते हैं कि भी एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया, बिल्कुल, तो एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया इसके इनसाइड आपके होते हैं, वही फ्लासर, ये आर्किगोनिया, नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल और एग सेल, तो आर्किगोनिया। और अगर हेट्रोस्पोरस हो तो दो टाइप के स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, तो दो ही टाइप के प्रोथलस बन जाएंगे, मेल और फीमेल। भी हेट्रोस्पोरस के अंदर क्या होगा कि एक स्पोर छोटा होगा वो माइक्रोस्पोर, और जो स्पोर लार्ज है वो मेगास्पोर, बिल्कुल, माइक्रोस्पोर से वो प्रोथलस बनेगा जिस पर मेल ऑर्गन है, और मेगास्पोर से वो प्रोथलस बनेगा जहां पर फीमेल ऑर्गन है, बिल्कुल। और यहां प्रोथलस पे वेंट्रल सरफेस पे आएंगे, वेंट्रल सरफेस, जबकि ब्रायोफाइटा में डोर्सल सरफेस पे, डोर्सल सरफेस, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहां पर, बिल्कुल। अब आप समझ रहे हैं कि एंथ्रेडिया में एंथ्रेजोइड और आर्किगोनिया में एग सेल, तो जो भी इसके मेल गैमेट हैं एंथ्रेजोइड्स, एंथ्रेजोइड जो एन है, और वो आप जानते हैं कि स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड और मल्टीफ्लेजिलेटेड होते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में कोमा शेप, कोमा शेप और बाइफ्लेजिलेटेड, हाँ सारा डिफरेंस। और यहाँ आप जानते हैं कि आर्किगोनिया के अंदर इनसाइड आपकी क्या है, एग सेल, जो कि नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लेजिलेटेड, बिल्कुल। अब आप जानते हैं कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट करेगा क्योंकि फ्यूमेरिक एसिड सिक्रेट करेगी, तो आप जानते हैं कि इसको अट्रैक्ट करेगी तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट करेगा और जाकर इससे फ्यूज होगा, वाटर की हेल्प से जाएगा, मतलब जियोडोनिमी हो गई, फ्यूज होते हैं आप जानते हैं क्या फॉर्म हो जाएगा, जायगोट, बिल्कुल, 2N, और जायगोट से स्टार्ट हो जाएगी स्पोरोफिटिक जनरेशन, बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा कि जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक एंड स्पोर मदर सेल इज द लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका जायगोट, जायगोट, और अंतिम कोशिका स्पोर मदर, स्पोर मदर सेल, बिल्कुल। स्पोर, स्पोर गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल, और गैमेट, ये जो गैमेट है लास्ट सेल है, बिल्कुल, गैमेटोफाइट की, गैमेट के फ्यूज होती है आप जानते हैं 2N जायगोट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया, बिल्कुल, फर्टिलाइजेशन हो गया, जूडियोगेमी हो गई, यहाँ पर भी जूडियोगेमी होती है, मतलब वाटर की हेल्प से मेल गैमेट का जाना फीमेल गैमेट के पास, हाँ, तो कीमो टैक्टिक का पार्ट बोलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो जायगोट बन गया। अब जायगोट में कंटिन्यूस माइटोसिस होंगे, बिल्कुल, और आप समझ सकते हैं कि एम्ब्रियो बनेगा, बिल्कुल, और यहाँ सीड तो बनेगा नहीं, यस, और अगर हेट्रोस्पोर्स भी होंगे तो प्रीकसर नेचर आएगी, बिल्कुल, जो कुछ हेट्रोस्पोर्स होते हैं, सिलेजिनेला है, मार्सिलिया है, एजोला है, साल्विनिया है, वो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। फिर आप समझ सकते हैं कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से मेन प्लांट बॉडी, ऑब्वियस मेन प्लांट बॉडी, तो देखिएगा कि ब्रायोफाइटा में क्या था, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक थी, बिल्कुल, इंटरमीडिएट स्पोरोफिटिक था जो उस पर डिपेंड था, डिपेंड था, और दोनों ही मल्टीसेलुलर थे, दोनों ही क्या थे, मल्टीसेलुलर थे, और अल्टरनेशन जैसे था, यहां डोमिनेंट क्या है, स्पोरोफिटिक, बिल्कुल, इंटरमीडिएट गैमेटोफिटिक है, बिल्कुल, दोनों ही मल्टीसेलुलर है, दोनों ही, यहां गैमेटोफिटिक उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन जनरेशन, यानी स्वतंत्र पीढ़ी एकांतर, बिल्कुल है। अब आप समझ रहे हैं कि यहां दोनों ही, एक तो फ्री लिविंग है, ये भी फ्री लिविंग है, वो फ्री लिविंग, बिल्कुल, क्योंकि प्रोथलस फ्री लिविंग होता है, मल्टीसेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है, आप समझ रहे हैं, तो ये उस पर डिपेंडेड नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार बन जाता है कि इसका जो गैमेटोफाइट है उसमें राइजोइड पाए जाते हैं, हाँ, और जो ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट है उसमें भी राइजोइड पाए जाते हैं, एक सिमिलरिटी होगी, सिमिलरिटी होगी। और आप समझ रहे हैं, देखिएगा कि भाई यहाँ आपको फिर मैंने समझाया कि भाई इंटरमीडिएट ही आ गया, तो है तो लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोंटी की, हैप्लोडिप्लोंटी,
लेकिन मैन फेज क्या है? स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, यहाँ आप समझ सकते हैं बेटा कि रूट, स्टेम, लीव्स, रूट एडवेंटिस टाइप की होती है, स्टेम सॉफ्ट होता है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पॉसिबल नहीं है। कंसेंट्रिक वी भी होते हैं, इसलिए लीव्स भी आप जानते हैं कि सिंगल वीन लीव्स होती है, एक ही सिरा होती है फर्न को छोड़ के। और आप जानते हैं कि यहाँ जो वेजिटेटिव लीव्स होती है, जो प्रकाश संश्लेषी होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, वहां वो भी आप जानते हैं साइज के बेसिस पे, अगर वो स्टेम के कंपैरिजन में स्मॉल साइज की हैं, तो वो आपके जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होते हैं माइक्रोफिलस, लघु प्राणी। बिल्कुल। और अगर स्टेम के साइज में लार्ज फ्रॉन्ड लीव्स हैं, बड़ी बड़ी लीव्स हैं, तो और स्टेम स्मॉल है, तो वो आपके होते हैं जो मैक्रोफिलस होते हैं, मेगाफिलस होते हैं, गुरु प्राणी, गुरु प्राणी। बिल्कुल, जैसे फर्न जो होते हैं, क्लियर। और उसके बाद जब न्यूनतम वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई, तो फिर आपके आगे रिप्रोडक्टिव लीव्स, स्पोरोफिल्स, स्पोरेंजिया, उसके इनसाइड स्पोर जेनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल, और ऐसा एक लाइफ साइकिल पैटर्न आपका सारी चीज हो गई। तो आप टेरिडोफाइटा को बहुत अच्छे से टॉपिक को, एनसीईआरटी को एक एक लाइन को पढ़कर आप अपने क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स आर ग्रो इन कूल, डैम एंड शेडी प्लेस। टेरिडोफाइट के युग्मकोद्भिद ठंडे, आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर ही क्यों होते हैं? टू फुलफिल नीड ऑफ वॉटर फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल, अभी हमने बात की थी कि जो टेरिडोफाइटा है वो उनको वॉटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होते हैं, उनको वॉटर की रिक्वायरमेंट होती है तैरने के लिए। सीधी सी बात आई थी कि जो टेरिडोफाइटा लाइफ साइकिल में जो उसका प्रोथलस था वो गैमेटोफाइट था। बिल्कुल, यहाँ टेरिडोफाइटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ होता है, वितरण, वो सीमित क्यों होता है? बिल्कुल, क्योंकि इसका जो प्रोथलस होता है ना, प्रोथलस वो फ्री लिविंग है, और उस प्रोथलस को भी स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट है, यानी उसको भी सीमित आवश्यकताएं चाहिए, उसको भी डैम सोयल, नम मिट्टी या कूल, मतलब ठंडे नम छायादार स्थान उसको, है ना, डैम कूल और सैडी प्लेसेस ऐसे चाहिए, ताकि आप जानते हैं कि वो अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि भी क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो गया, बाकी टू प्रोड्यूस लो टेंपरेचर फॉर फर्टिलाइजेशन ये नहीं है, टू ऑब्टेन मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सोयल ये भी इससे रिलेटेड नहीं होगा, टू ऑब्टेन सफिशियंट फूड तो इससे रिलेटेड नहीं होगा, ये अच्छा आंसर आपका हो गया फर्स्ट। बिल्कुल, तो नेक्स्ट आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज, टेरिडोफाइट का मुख्य पादप का है स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। बिल्कुल सही विषय ने बताया था अपने को, भाई जो इसका मेन बॉडी स्पोरोफाइट ही है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट हैविंग नो रूट, स्टेम एंड लीफ, ये यहां पे हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट, गैमेटोफाइट हैविंग नो रूट, स्टेम एंड लीफ, तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि जो गैमेटोफाइट है उसके अंदर नो रूट, स्टेम और लीफ है, तो इसका मेन बॉडी कौन सी होगी? अपने कह सकते हैं स्पोरोफाइट है, इसकी मेन बॉडी स्पोरोफाइट है, हालांकि गैमेटोफाइट में ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं होता, लेकिन इसकी मेन बॉडी कौन सी होगी? मेन बॉडी यहां पे इसकी होगी स्पोरोफाइटिक। भाई जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है इसकी, वो स्पोरोफाइटिक ही होती है। बिल्कुल, 2N होती है और अच्छे से, मतलब हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है। बिल्कुल, और डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम, लीफ, लीफ, तो 100% आपका आंसर देखो फर्स्ट आपका हो गया। बिल्कुल, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लांट ग्रुप व्हिच हैव एम्ब्रियो बट नॉट हैव वैस्कुलर टिश्यू, एक पादप समूह जो भ्रूण रखता है लेकिन सब नोक तक नहीं, तो अपन ने कहा था कि नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस कौन है? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट कि भाई देखो, एल्गी में एम्ब्रियो नहीं था, एल्गी में एम्ब्रियो नहीं था, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हो सकती थी। बिल्कुल, लेकिन फर्स्ट टाइम जो एम्ब्रियो बना वो किसमें बना? ब्रायोफाइटा में। फर्स्ट एम्ब्रियो बनने की शुरुआत ही ब्रायोफाइटा से हुई, लेकिन वैस्कुलर टिश्यू नहीं थे, तो आप ये कहते हैं बेटा नॉन वैस्कुलर, नॉन वैस्कुलर। हाँ, टेरिडोफाइटा में भी एम्ब्रियो है, लेकिन टेरिडोफाइटा वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। बिल्कुल, वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइट, है ना। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट। यहाँ पे से कौन से टेरिडोफाइट है जो माइक्रोफिलस है, मतलब जिनकी लीफ स्मॉल है, लघु प्राणी है। बिल्कुल, तो अभी आपने कहा सर कि भाई जो अगर अपन वेजिटेटिव ऑर्गन देखें, रूट, स्टेम, लीव्स, बिल्कुल, तो फिर देखो इसमें लीव्स अपन ने बताया था कि जो इसकी फोटोसिंथेटिक लीव्स होती है, प्रकाश संश्लेषी, ट्रोपोफिल्स बोलते हैं उनको अपन, बोलते हैं क्या? ट्रोपोफिल्स, जो प्रकाश संश्लेषी होती है, इनका काम है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करना, और इनकी जो रिप्रोडक्टिव लीव्स है स्पोरोफिल्स थी, स्पोरोफिल, हालांकि टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिल भी फोटोसिंथेटिक होती है। बिल्कुल, ये इसका यूनिक कैरेक्टर है। बिल्कुल, क्लियर। अब आप जानते हैं कि जो ट्रोपोफिल्स, फिर देखिए उस लीव की साइज के अकॉर्डिंग, यानी स्टेम से कंपेरिजन करेंगे। बिल्कुल, यानी अपन देखते हैं कि भाई स्टेम के कंपेरिजन में, जैसे स्टेम के ऊपर आप देखते हो कि स्मॉल स्मॉल ऐसे पिननेट्स, ऐसे लीव्स हों,
स्मॉल स्मॉल लीव्स, बिल्कुल, तो ये आपके हो जाएंगे माइक्रोफिलस, लघु प्राणी, लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, बिल्कुल, यानी इक्विसिटम है, ये सारे लघु प्राणी होते हैं, लघु प्राणी होते हैं। लेकिन अगर मान लो स्टेम के कंपैरिजन में, स्टेम के कंपैरिजन में अगर लार्ज लीव्स हो, लार्ज लीव फ्रॉन्ट लीफ स्टेम से काफी बड़ी हो जाए, हाँ, वो मल्टीबीन हो, बिल्कुल, स्टेम के कंपैरिजन में देखना है, स्टेम के कंपैरिजन में स्मॉल साइज लीव्स हो तो लघु प्राणी, माइक्रोफिलस, और अगर लार्ज साइज लीव्स हो तो मैक्रोफिलस, जो फ्रॉन्ड होती है, बिल्कुल। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि टेरिडियम भी फर्न है, बिल्कुल, एजोला भी फर्न है, सिलेजिनेला, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिलेजिनेला, बिल्कुल, इक्विसिटम है, लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, वो होते हैं लघु प्राणी, और फर्न फर्न पूरा ग्रुप क्या होता है, मैक्रोफिलस, मैक्रोफिलस आपका होता है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, इन लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स लास्ट सेल, अभी सर ने कहा था लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट की लास्ट सेल क्या होती है, अपने को पता है स्पोर मदर सेल होती है, बिल्कुल, अभी लाइफ साइकिल की बात की थी अपने, स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर स्पोर मदर सेल लास्ट आई थी, बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद तो क्या होगा, स्पोरिक मियोसिस, बिल्कुल, और जब मियोसिस स्पोर बन जाते हैं, स्पोर तो एन होता है, बिल्कुल, और मियोसिस डिप्लोइड फेज को हैप्लोइड फेज में चेंज करता है, बिल्कुल, भाई दो ही जगह आपको फेज को चेंज करना है, एक डिप्लोइड फेज को अगर हैप्लोइड बनाना तो वहां मियोसिस होगा, और अगर हैप्लोइड को वापस डिप्लोइड बनाना है तो फर्टिलाइजेशन होगा, बिल्कुल, गैमेट फ्यूज अगर वापस फर्टिलाइज हो जाएगा, हाँ। तो जायगोट फर्स्ट सेल है, स्पोर मदर सेल लास्ट सेल है, स्पोरिक म्यूसिस होते हैं, हैप्लोइड क्या बनते हैं, स्पोर बन जाते हैं, स्पोर बनते हैं, गैमेटोफाइट शुरू हो गया, गैमेटोफाइट शुरू हो गए, तो आप समझ जाएंगे आंसर क्या हो गया, सेकंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, भाई देखो बच्चों हमने आपको लाइफ साइकिल इसीलिए बताई थी ताकि जो कॉमन क्वेश्चन वो एक साथ ही हो जाए, हां, अमंग द फॉलोइंग Which is not a character of bryophyte. कौन सा bryophyte character नहीं है? नहीं है. Presence of multicellular jacketed sex organ. ये तो है, बिल्कुल, अपन कह सकते हैं शुरुआत ही bryophyte से हुई है. जो N3D और आर्किगोनिया आपने बढ़ाई थी. Flasks, आर्किगोनिया, N3D, multicellular jacket. चारों तरफ jacket था उसके, बिल्कुल. आपने जो jacket आवरण वहाँ पे शो किया था ऐसे, जैसे आप जानते हैं ये आर्किगोनिया है, तो यहाँ एक्स है, तो यहाँ आपने जैकेट जैकेट बनाया था इसके चारों तरफ, बिल्कुल, जैकेट स्टेराइल होती है, उसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं, बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिए, डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये तो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट स्टार्ट हुआ है, दे आर नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस, ये अपन बिल्कुल सही कह सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ मोटाइल एंथ्रेजॉइड, बिल्कुल, प्रेजेंस ऑफ मोटाइल एंथ्रेजॉइड जो है उसका कैरेक्टर है, ब्रायोफाइटा में भी, बिल्कुल, और टेरिडोफाइटा में भी है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में कोमा से बाइफ्लेजिलेटेड, बिल्कुल, और वहां अभी अपना स्पिंडल और मल्टीफ्लेजिलेटेड है, तो दोनों में आप जानते हैं कीमोटेक्टिक मूवमेंट होती है, जुडियोगेमी होती है, जुडियोगेमी होती है, तो आप समझ रहे हैं कि विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं सेकंड आंसर आप सेकंड जिसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, इसकी मेन बॉडी गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट होती है, बिल्कुल, क्योंकि स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट कहां से, टेरिडोफाइटा से शुरू होती है, डोमिनेंट रूप में, डोमिनेंट रूप, हां, तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक व्हिच आर प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट इन जिम्नोस्पर्म, वन सच कैरेक्टर इज, विषम बीजाणु टेरिडोफाइटा कुछ ऐसी विशेषता प्रदर्शित करते हैं जो कि अनावृत बीजियों में बीज स्वभाव की पूर्ववर्ती होती है, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, नहीं, वैस्कुलर टिश्यू जो है उसका प्रेजेंस होना ये कोई करेक्टर नहीं था, प्रेजेंस ऑफ प्रोथेलस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही एम्ब्रियो का बन जाना, ये सीड हैबिट को शो करता है, जो कि आप कह सकते हो हेटरोस्पोरस प्लांट दर्शाते हैं, एक्सटर्नल वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है, हाँ। लेकिन इसके लिए ये कंपेटेबल नहीं है, भाई देखो भाई अधिकांश टेरिडोफाइट है, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट होमोस्पोरस, होमोस्पोरस है, और कुछ टेरिडोफाइट क्या है, हेटरोस्पोरस, अच्छा बीज प्रकृति को आने के लिए सबसे पहले तो हेटरोस्पोरी चाहिए, हेटरोस्पोरस है, बिल्कुल, खैर हेटरोस्पोरी आ गई थी, लेकिन यहाँ टेरिडोफाइटा में जो हेटरोस्पोर टेरिडोफाइटा वहां प्रीकर्सर नेचर ही आई, बिल्कुल, क्योंकि अपन ने जो भी लाइफ साइकिल बताया था होमोस्पोरस का बताया था, वहां पर ने देखो कि स्पोरेंजिया से स्पोर को सेपरेट कर लिया था, तो वहां स्पोर क्या शो कर रहा था, एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट, बिल्कुल, मतलब स्पोरेंजिया के बाहर जाकर वो जर्मिनेट हो रहा था, सोयल में जाकर जर्मिनेट उसको छोड़ रहा था, तो प्लांट से सेपरेट हो रहा था, प्लांट से क्या हो रहा था, सेपरेट हो रहा था, एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट है ना, लेकिन आप जानते हैं कि जिम्नोरेंजियो के अंदर जो स्पोर का डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल, स्पोरेंजिया में वो एंडोस्पोरिक होता है, इनसाइड ऑफ स्पोरेंजिया होती है, इनसाइड ही, और वहीं पे गैमेटोफाइट डेवलप होता है, बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट और सेपरेट फ्री लिविंग, बिल्कुल, मुक्त जीवी प्रोथेलस बना, हाँ, मुक्त जीवी क्या बना, प्रोथेलस बना, क्लियर, अब आप समझ सकते हैं कि भाई जो हेटरोस्पोर टेरिडोफाइट होंगे उसमें दो टाइप के आपकी स्पोरेंजिया होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, बिल्कुल, तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दो अलग अलग प्रोथेलस बन जाएंगे, हाँ, तो देखिएगा कि सीड नेचर के लिए पहली कंडीशन हेटरोस्पोरी आ गई, बिल्कुल, दो टाइप के स्पोर बन गए,
अब जो मेगास्पोर था, मेगास्पोर पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही था बिल्कुल, यानी मेगास्पोर एंजाइम में जो मेगास्पोर बना वो पेरेंट स्पोरोफाइट यानी पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा हुआ था बिल्कुल, और वेरिएबल पीरियड के लिए कंप्लीटली तो नहीं था, इसलिए कंप्लीट सीड नेचर भी नहीं आई बिल्कुल, प्रीकर्सर नेचर आई। अब वो वेरिएबल पीरियड के लिए अटैच था पेरेंट स्पोरोफाइट से, और फिर आप जानते हैं कि उसके अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट बना तो फीमेल गैमेटोफाइट भी वेरिएबल पीरियड के लिए उस पर अटैच था। फिर आप समझ सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट से यंग एम्ब्रियो इनसाइड मेगास्पोर एंजाइम इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट बिल्कुल, फीमेल गैमेटोफाइट में जायगोट से यंग एम्ब्रियो बना, तो वहां तीन ही आपकी कंडीशन ये थी, और इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ हेटरोस्पोरस टेंडोफाइट, कौन सा यहां पे हेटरोस्पोरस टेंडोफाइट है, आइए देखते हैं। लाइकोपोडियम, तो लाइकोपोडियम अगर अपन यहां पे बात करते हैं कौन सा हो गया, वो होमोस्पोरस है, कुछ आपने हेटरोस्पोरस है, इक्विसिटम होमोस्पोरस है, टेरिडियम होमोस्पोरस है, साइकस साइकस यहां पर जो वो क्या हो गया हेटरोस्पोरस हो गया, जिम्नो से रिलेटेड हो गया लेकिन जिम्नो का है, क्वेश्चन में टेंडोफाइट पूछा है, पाइनस ये भी यहां पे हेटरोस्पोरस शो करता है, सिट्रस यहां पर जो वो क्या करता है हेटरोस्पोरस शो करता है, सिलेजिनेला एजोला ये दो यहां पर क्या हो गए टेरिडोफाइटा है जो कि हेटरोस्पोरस शो करते हैं, पाइसम मतलब मटर ये एनजीओ का हो गया, कुछ आपने को टेरिडो का है, सिलेजिनेला एजोला साल्विनिया ये हेटरोस्पोरस भी है और टेरिडोफाइट भी है बिल्कुल। भाई देखो एक ही सारी लाइनें याद कर लो, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना अपवाद के सारे ब्रायोफाइटा संबीजनक हैं, हाँ होमोस्पोरस है, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस, अधिकांश टेरिडोफाइट भी क्या है होमोस्पोरस, कुछ टेरिडोफाइटा आपको बता दूं कि टेरिडोफाइटा के अंदर ये जो प्लांट होते हैं मासी बिल्कुल, ये आपके होते हैं काफी फेमस ट्रिक है बिल्कुल, मासी ये आपके होते हैं हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट, आ जाएगा मार्सिलिया एजोला एजोला सिलेजिनेला सिलेजिनेला बिल्कुल साल्विनिया काफी फेमस टिका बिल्कुल साल्विनिया बिल्कुल आइसोपीस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बेहतरीन ट्रिक है, बस ये टेरिडोफाइट आपके हेटरोस्पोरस हैं, बाकी के सारे टेरिडोफाइट क्या हैं लघुपर्णी टेंडोफाइट्स का है, तो एक ही बात फर्न को छोड़ दो और जो भी आपके लाइकोपोडियम होता है सिलेजिनला होता है इक्विसिटम होता है बिल्कुल, यानी लाइकोप्सिडा सिलोप्सिडा और स्पिनोप्सिडा से रिलेटेड होते हैं, तो यहां देखिएगा सिलेजिनला लाइकोपोडियम लघुप्रणी है लेकिन एजोला गुरुप्रणी है, फर्न हो गया क्योंकि वो मैक्रोफिलस है बिल्कुल, सिलेजिनला लाइकोपोडियम इक्विसिटम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, इक्विसिटम सिलोटम लेकिन टेरिडियम फर्न हो गया, फर्न मैक्रोफिलस होता है, फर्न में फ्रोंड होती है ना, तो आपका आंसर क्या हो गया सेकंड, आंसर विल बी सेकंड। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन डायग्राम, ये यहां पे डायग्राम आपका इक्विसिटम का है, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम लीफ, अपने को पता है बिल्कुल यहां पर जो प्लांट बॉडी है टेंडोफाइटा है तो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट है, यहां पे जो रूट एडवेंटियस रूट है बिल्कुल, राइजोम पहले राइजोम और फिर ये एरियल स्टेम है बिल्कुल, हर्बेसियस सॉफ्ट और आप जानते हैं जॉइंटेड स्टेम, पहली बार जॉइंटेड स्टेम इक्विसिटम के अंदर है ना, सही है, और यहां इसके लिए लीव्स हैं ये ब्रांचेस और उसके ऊपर आपकी इसके लिए लीव्स आएंगी और लीव्स पर यहां पे सिलिका का डिपोजिशन होगा, बहुत अच्छी बात, और आगे आप जानते हैं कि जो स्पोरोफिल्स है उनका कॉम्पैक्ट ग्रुप बना तो ये स्ट्रोबिलस, अगर स्पोरोफिल ग्रुप के फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस, जो भी है, इट इज ए मेडिसिनल प्लांट एंड हैव जॉइंटेड स्टेम बिल्कुल, अपन यहां कह सकते सही बात है, इट इज ए होमोस्पोरस टेंडोफाइट, अभी सर ने बात कहा था कि जो मासी वाली कंडीशन है वो तो हेटरोस्पोरस, बाकी सारे क्या है, बाकी सारे होमोस्पोरस है, इट इज ए डायसेस प्लांट, ये नहीं भाई डायसेस का मतलब तो ये हो गया कि मेल फीमेल अलग-अलग हैं, अलग-अलग यूनिसेक्स, आप समझ रहे हैं कि जो कॉम्पैक्ट ग्रुप आ रहा है स्ट्रोबिलस बिल्कुल, तो एक ही प्लांट पे एक ही प्लांट पे, तो ये डायसेस नहीं है बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है तो 4 बिल्कुल।
आराम से। फिर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, द टेरिडोफाइट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन बिकॉज, टेरिडोफाइट का भौगोलिक दृष्टि से वितरण सीमित क्षेत्र में ही होता है क्योंकि द गेमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस टू ग्रो। बिल्कुल, जो गेमेटोफाइट है उसको एक लिमिटेड कंडीशन चाहिए, वहीं पे वो सर्वाइव करता है। बिल्कुल, तो भाई टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी, वैसे टेरिडोफाइटा मुख्य पद स्पोरोफिटिक है। बिल्कुल, वो भी नम छायादार ठंड स्थानों पे होते हैं। बिल्कुल, यानी दे ग्रो इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस। बिल्कुल, सीओफाइट्स होते हैं, छायाप्रिय होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इसका इंटरमीडिएट आता है प्रोथेलस है। बिल्कुल, तो प्रोथेलस जो हार्ड शेप्ड है, मल्टी सेलुलर है, इनकॉन्स्पिस स्पष्ट है, वो इसका गेमेटोफिटिक है। बिल्कुल, तो गेमेटोफिटिक को भी स्ट्रिक्टली एनवायरमेंट इसको चाहिए, सीमित आवश्यकता वाला वातावरण चाहिए, ठंडा नम छायादार स्थान, क्योंकि निषेचन के लिए क्या चाहिए होगा, जल चाहिए होगा। तो देखो कि उनके गेमेटोफाइट भी रिक्वायर कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। बिल्कुल करेक्ट है, दे आर वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, सोनी क्रिप्टोगैमस। लाइन तो सही है हाँ, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं, इससे रिलेटेड आपके नहीं। वैस्कुलर का होना तो वितरण को बढ़ाता है, बढ़ाता है सही। अब आप जानते दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, हाँ ये सही है कि दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ बोथ आंसर आपका हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। बिल्कुल, क्योंकि वाटर से अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसकी सक्सेस रेट भी कम होती है। हाँ, अगर आप तुलना करें तो साइफनोगेमी की तुलना करें तो आसपास उसको नमी वाले क्षेत्र चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, क्योंकि एंथ्रेजोइड के चारों ओर वाटर फिल्म बनेगी। बिल्कुल, तभी वो मोटाइल होगा, एंथ्रेजोइड मोटाइल होता है, मेल गैमेट, मेल गैमेट। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, ए सेट ऑफ प्लांट्स इन विच गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोथ आर मल्टी सेलुलर, दे हैव इंटरमीडिएट आइदर गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे आपको सीधे तरह से कह रहा है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। बिल्कुल, अपन ने समझाया कि देखिए ब्रायोफाइटा के अंदर मेन प्लांट डोमिनेंट गेमेटोफिट गेमेटोफाइट, और वहां गेमेटोफिटिक जब गेमेट फॉर्म करके फ्यूज होते जायगोट, बिल्कुल अल्टरनेट आपका क्या आता है स्पोरोफाइटिक। अच्छा, ब्रायोफाइटा में बहुत बड़ी विशेषता है कि स्पोरोफाइटिक इस गेमेटोफाइट पर डिपेंड भी रहता है। बिल्कुल, फिर स्पोर मदर सेल आते वापस क्या बन जाएगा, गेमेटोफिटिक बन जाएगा। हां बिल्कुल, यस यस। तो लेकिन यहाँ टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफिटिक। बिल्कुल, स्पोरोफिटिक है, फिर अल्टरनेट आपका है गेमेटोफिटिक। बिल्कुल, और फिर वापस आपका क्या हुआ, स्पोरोफिटिक। लेकिन ये भी मल्टीसेलुलर है, ये भी मल्टीसेलुलर, हालांकि लेस ऑर्गेनाइज था, कम संगठित था, लेकिन मल्टीसेलुलर था, मल्टीसेलुलर। अब धीरे धीरे आगे क्या होगा, जिम्नोरेंजियो में ये स्पोरोफाइटिक तो डेवलप होता जाएगा और गेमेटोफाइट रिड्यूस होता जाएगा, तब ओनली डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल रह जाएगा, सबसे रिड्यूस गेमेटोफाइट कहां चला जाएगा, एंजियोस्पर्म के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं कि भी ब्रायो और टेरिडो को अपन इंक्लूड करते हैं हैप्लोडिप्लोंटिक, हैप्लोडिप्लोंटिक में, और कुछ एलगी भी होती हैं जिनको भी अपन हैप्लोडिप्लोंटिक में काउंट करते हैं, लेकिन यहां पर ब्रायो और टेरिडो। तो पाइजम, मस्टर्ड, वीट, एंजियो नहीं होगा, साइकस, पाइनस, निटम ये भी नहीं होगा, जिम्नो भी होगा, और आप जानते हैं रिक्सिया, फ्यूनेरिया एंड लाइकोपोडियम, ये क्या ब्रायो टेरिडो हो गए। रिक्सिया फिनेरिया यहाँ पर ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है, लाइकोपोडियम यहाँ से किससे रिलेटेड है, टेरिडोफाइटा से रिलेटेड है। बिल्कुल, और वोल्वोक्स क्लेमाइडोमोनास ये नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि वोल्वोक्स तो कॉलोनी ले लगा है, क्लेमाइडोमोनास तो सिंगल सेल है। बिल्कुल, वहां तो जायगोटिक म्यूसिस होता है, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, जो अच्छा क्वेश्चन 2017 में आया था। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग ए एंड डी, निम्नलिखित ए तथा डी पर विचार कीजिए, यहाँ पे डी नहीं भी है। तो ये बच्चों डायग्राम यहाँ पे किसका है, जो सिलेज नीला है उसका डायग्राम है, और बी यहाँ पे डायग्राम किसका है, साल्विनिया का डायग्राम, साल्विनिया का। बिल्कुल, बोथ कैन डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, दोनों विभेदित किए जा सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, नहीं दोनों हेटरोस्पोरस, दोनों हेटरोस्पोरस है। लीफ स्ट्रक्चर, बिल्कुल यहाँ पे तो माइक्रोफिल है और यहाँ पे हो गया मैक्रोफिल, जो वेजिटेबल ड्यूज है, काई पत्तियां हैं, तो देखो छोटी छोटी सिंगल विन वाली ये पत्ती है। बिल्कुल, साइज में स्मॉल है, हाँ ये आपके माइक्रोफिलस है, यानी लघु प्राणी है। बिल्कुल, और ये आपने अपने हो गया मैक्रोफिलस, मैक्रोफिलस। बिल्कुल, ये बेटा काई पत्तियों से संबंधित बातें हैं, क्योंकि स्पोरोफिल के अंदर, फिर स्पोरेंजिया के अंदर दो टाइप के स्पोर बने ना। बिल्कुल, वो आपके होते, वो तो हेटरोस्पोर, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, लैंगिक जनन से। बिल्कुल, ये ओनली काई पत्तियों की बातें हैं, तो यहाँ लीफी स्ट्रक्चर पर भी हो जाएंगे। बिल्कुल, डोमिनेंट प्लांट ऑफ दिस लाइफ, दोनों में स्पोरोफाइटिक होता है, बीजाणु होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड होगा, सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल, नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्लोइडी लेवल इन रूट ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइटा की जड़ में गुणवत्ता का स्तर क्या होगा, रूट मतलब स्पोरोफाइट। बिल्कुल, तो अपन ने क्या कहा था कि भी टेरिडोफाइटा का जो मुख्य पादप काय है वो स्पोरोफिटिक है। बिल्कुल, डोमिनेंट फेज, और मेन प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम लीफ, में रूट स्टेम लीफ स्पोरोफाइट में होती है, जो कि 2-1 होता है। बिल्कुल, और सीधी सी बात एक ही समझे ना, कि जहां से सत्य प्रकार की ट्रू टाइप की, बिल्कुल रूट स्टेम लीव्स आ गई, टेरिडो हो चाहे जिम्नो हो चाहे एंजियो, जो
कायिक शरीर होता है, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, रूट स्टेम लीव्स, वो हमेशा क्या होते हैं, ट्वेनी होते हैं, बिल्कुल डिप्लोइड होते हैं, ट्वेनी होते हैं, यस आप समझ रहे हैं। और जनरली तो प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर दो ही फेज होते हैं, एक 2N और एक N, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफाइट, बिल्कुल। बस आप समझ सकते हैं कि एनजीओ में एक एक्स्ट्रा जो संरचना आती है एंडोस्पर्म, वो 3N होती है, 3N होती है, और बाकी तो आप जानते हैं 2N और N, दो स्टेज आपकी होती है। तो यहां पर आपका हो गया डिप्लोइड, बिल्कुल। और सीधी सी बात है, प्लोइडी को डिफाइन करने का तरीका, प्लोइडी को डिफाइन करने का तरीका है कि जायगोट के बाद आप माइटोसिस कर रहे हो, माइटोसिस कभी प्लोइडी को चेंज करता नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर चेंज ही नहीं होता है। अब माइटोसिस N में होगा तो N ही रहेगी, बिल्कुल, और 2N में होगा तो 2N, बस मियोसिस जो है वो चेंज करता है प्लोइडी। तो अब आप जायगोट से स्टार्ट हो गए और जायगोट से अपन अगर स्पोर मदर सेल तक आ जाएं, बिल्कुल, वहां तक आपका 2N ही रहेगा, 2N रहेगा, बिल्कुल, बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल। और स्पोर मदर सेल, स्पोर से अपन गैमेट तक जाएंगे तो क्या रहेगा, N रहेगा, बिल्कुल। तो यहां पर आपका सेकंड आंसर आपका हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंथीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ फर्न प्रोथेलस। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात आपको बताते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने ब्रायोफाइटा का जो प्रोथेलस बनाया था डायकोटोमसली ब्रांच, और आप जानते हैं कि डोर्सी वेंट्रल, उसमें डोर्सल सरफेस था, तो आपने सेक्स ऑर्गन खा दिए थे डोर्सल, ये बड़ी बात होती है। एंथीडी आर्किगोनिया जो ब्रायोफाइटा का थैलस होता है उसमें डोर्सल सरफेस पे होते हैं, टेरिडो में वेंट्रल पर, और जो टेरिडोफाइटा होते हैं उसके अंदर जो भी आपने प्रोथेलस फॉर्म किया था तो प्रोथेलस की वेंट्रल सरफेस के ऊपर, प्रोथेलस की वेंट्रल सरफेस के ऊपर आप जानते हैं कि ये सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथीडी और आर्किगोनिया। तो यहां देखिएगा कि एंथीडी एंड आर्किगोनिया आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ फर्म, बिल्कुल सही है, और एंथीडी आर्किगोनिया आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ रिक्सिया थैलस, तो ब्रायोफाइटा, रिक्सिया ब्रायोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा में डोर्सल पर ही होता है। लाइकोपोडियम इज हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये गलत है, क्योंकि लाइकोपोडियम क्या आपका होमोस्पोरस है, और जेमा का प्रेजेंट एट डोर्सल सरफेस इन थैलसोमार्केंसिया, बिल्कुल करेक्ट। अपन ने जो ब्रायोफाइटा का थैलस अपन ने बनाया था वहां मार्केंसिया के थैलस का अपन डायग्राम की तरह शो किया था। तो यहां पर आप देखिएगा कि ए बी और डी ये तो करेक्ट है, आपसे पूछा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपका ओनली सी, तो एक आपका क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो गया। हां देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, हेटरोस्पोरी इज द प्रोडक्शन ऑफ, विषम बीजाणुता किसका उत्पादन है। तो देखिए इस तरह अपन ने कहा कि सारे ब्रायोफाइट होमोस्पोरस होते हैं और टेरिडोफाइट भी ऑलमोस्ट होमोस्पोरस है, कुछ टेरिडोफाइट हेटरोस्पोरस है और जिम्नोरेंजियो कंप्लीटली हेटरोस्पोरस। ये हेटरोस्पोरस का मीन क्या होता है कि जब दो टाइप की स्पोरेंजिया हो, माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया, बिल्कुल, उनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल, बिल्कुल, और जब स्पोरिक मियोसिस हो तो दो टाइप के सेक्सुअल स्पोर, बिल्कुल, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा होता है, लैंगिक चरण के दौरान ऐसा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लांट के लाइफ में अगर दो टाइप के स्पोर बने, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, बिल्कुल साइज के बेसिस, दो टाइप के सेक्सुअल स्पोर, क्लियर, तो वो आपके होते हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, क्लियर, बिल्कुल। तो यहां पर देख सकते हैं कि सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर गलत, क्योंकि असेक्सुअल तो होगा ही, बिल्कुल, लार्ज एंड स्मॉल, हाँ ये सही है, लार्ज एंड स्मॉल सेक्सुअल स्पोर, लार्ज थोड़ा सा लार्ज यहाँ पर होता है मेगास्पोर और स्मॉल आपका होता है माइक्रोस्पोर, बिल्कुल, और हैप्लोइड और डिप्लोइड स्पोर नहीं, स्पोर जो सेक्सुअल स्पोर ऑलवेज क्या होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, सेक्सुअल स्पोर, क्लियर। और अपन बात करें कि हाँ नन ऑफ दिस नहीं, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड। हाँ तो ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कंटेन ओनली रूट एंड आर्किगोनियम एज फीमेल गैमेटोफाइट, कि जहां पर रूट भी हो और आर्किगोनिया भी। अब देखिएगा बेटा कि जो आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया जो स्त्री धानी होती है एज ए फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो होती है, तो ब्रायोफाइटा के अंदर भी है, टेरिडोफाइटा के ब्रायो में ज्यादा डेवलप होती है और टेरिडोफाइटा में भी होती है, बिल्कुल, यस। लेकिन सत्य प्रकार की जड़ तनापत्ति ट्रू टाइप ग्रुप किसमें है, टेरिडोफाइटा में, किसमें, टेरिडोफाइटा। अब देखिएगा कि फर्स्ट ऑप्शन आपका स्पेगनम फिलुरे मोस्ट ब्रायोफाइटा हो गए, तो ये नहीं होगा, स्पेगनम और स्लेजिनेला, ब्रायो स्लेजिनेला तो हो जाएगा लेकिन इसमें नहीं होगा, स्लेजिनेला एंड इक्विसिटम ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। फिर आप कहते हैं कि एजोला और सालिने तो टेरिडोफाइटा है, तो ये पर नहीं होगा क्योंकि ये एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट जलीय होते हैं जैसे एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, बिल्कुल। अच्छा, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट टेरेस्ट्रियल है, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, बिल्कुल। जैसे अधिकांश टेरिडोफाइट नम छायादार स्थानों पे उगते हैं, लेकिन एक जाति जो सैंडी सोइल पे, बालू रेत पे, सिलेजिनेला रूपरेटस, बिल्कुल ऐसा आपका हो जाता है। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, ए कॉमन फीचर इन गैमेटोफाइट ऑफ मॉस एंड स्पोरोफाइट ऑफ फर्न, दोनों में कौन सा कैरेक्टर सेम है, मोस का गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है वो फर्न का, प्रेजेंस ऑफ थैलस, तो थैलस जो आप कह सकते हो गैमेटोफाइट में है, नेगेटिव टेरिडोफाइट में है, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, तो प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू तो टेरिडोफाइटा में होता है, प्रायोफाइटा में होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है,
फोटोसिंथेटिक नेचर, जो मॉस है उसकी मेन बॉडी गेमेटोफाइट है और जो फर्न है जो टेरिडोफाइट है उसकी मेन बॉडी स्पोरोफाइट है, और दोनों यहाँ पे क्या है फोटोसिंथेटिक, क्योंकि डोमिनेंट जो फेज होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। फिर प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियम, तो आर्किगोनियम गेमेटोफाइट भी हो सकती है, यहाँ पे आपसे गेमेटोफाइट मॉस, मॉस का तो गेमेटोफाइट कुछ है और फर्न का क्या स्पोरोफाइट, तो ये आर्किगोनिया फर्न के गेमेटोफाइट में होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या हो गया थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, द गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन, किसमें युग्मकोद्भिद स्वतंत्र जीवित पौधे के रूप में नहीं होती, एडिएंटम टेरिडोफाइट है, मार्केंशिया ब्रायोफाइटा, पाइनस जिम्नोस्पर्म, पॉलीट्राइकम आप यहां पे कह सकते हो, कौन सा हो गया ब्रायोफाइटा मॉस है। हां, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया पाइनस, क्योंकि जिम्नोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया। भाई देखिएगा कि ब्रायोफाइटा में तो डोमिनेंट ही गेमेटोफाइट है बिल्कुल, और वो फ्री लिविंग भी है, टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट तो स्पोरोफाइट है, प्रभावी पादप का तो बीजाणुविद है लेकिन वो फ्री लिविंग है, लेकिन जो अल्टरनेट गेमेटोफाइट आता है बिल्कुल वो भी फ्री लिविंग आता है, दोनों फ्री लिविंग है, दोनों फ्री लिविंग है क्योंकि इंडिपेंडेंट अल्टरनेट ऑफ जनरेशन है बिल्कुल। इसके बाद एक इसका मतलब कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा दोनों में गेमेटोफाइट फ्री लिविंग हो गया, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, जिम्नो और एंजियो के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है और उस पर डिपेंडेंट होती है गेमेटोफाइट, और अल्टरनेट आपके आएगी गेमेटोफाइटिक जो रिड्यूस्ड आएगी, हाईली रिड्यूस आएगी, और वो डिपेंड किस पे होगी गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइटिक पर डिपेंड होगी। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड माइनस। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाँ तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल्स ऑफ होमोस्पोरस, तो अपने को पता है जो मासी ट्रिक थी वो सारे हेटरोस्पोरस थे, सिनेजिनेला यहाँ पर क्या हेटरोस्पोरस है, इक्विसिटम होमोस्पोरस है, एजोला जबकि जो मासी ट्रिक आपके सामने थी वो हेटरोस्पोरस थी। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा आर इंक्लूडेड इन फेनेरोगेम्स, तो अपन कह सकते हैं कि साहब जो फेनेरोगेम्स में इंक्लूड नहीं होते, इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो हिडन होते हैं, तो वो क्रिप्टोगेम्स में होते हैं बिल्कुल। ट्रेकियोफाइटा इसका मतलब होता है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू होता है, तो ब्रायो और टेरिडो टेरिडोफाइटा यहाँ पर जो है वो तो हो गया ट्रेकियोफाइटा, थेलोफाइटा ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता तो वो हो गया नॉन ट्रेकियोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा वो होते हैं जिनमें सीड बनते हैं, जिम्नो और एनजीओ, जिम्नो यहाँ पे आप कह सकते हो इनको सेकंड आंसर क्रिप्टोगेम्स के अंदर। भाई देखिएगा कि थेलोफाइटा भी और ब्रायोफाइटा भी और टेरिडोफाइटा भी ये तो यहाँ तो टिश्यू नहीं है, ये नॉन वेस्कुलर है बिल्कुल, ये वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस है, लेकिन ये सारे किसमें आते हैं क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस। जो टेरिडोफाइटा है वहां तक क्रिप्टोगेम है, फिर जिम्नो एंजियो आ गए फेनेरोगेम, जहां सेक्स ऑर्गन को आप विजिबल नेक्ड आई से नग्न आंखों से देख सकते हो, जैसे एंजियो में तो फ्लावर बनेगा बिल्कुल, तो जो स्टेमन होता है कार्पल होता है सेक्सुअल ऑर्गन पुंकेसर और अंडक उनको आप आसानी से देख सकते हैं, तो फेनेरोगेम्स तो होते हैं जिम्नो एंजियो, वो स्पर्मेटोफाइटा होते हैं बिल्कुल, और ट्रेकियोफाइट्स होते हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू है, तो टेरिडो से आगे ट्रेकियो में है, टेरिडो ट्रेकियो में इंक्लूड है लेकिन फेनेरो में नहीं है बिल्कुल, और स्पर्मेटोफाइटा में भी नहीं है बिल्कुल। तो आंसर आपका क्या हो गया सेकंड। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा 21-22, टर्म हॉर्सटेल इज रिलेटेड विद, शब्द हॉर्सटेल किससे संबंधित है, इक्विसिटम पॉलीट्राइकम फर्न और साइगस, तो अपने को पता है कि जो इक्विसिटम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हॉर्सटेल बोलते हॉर्सटेल बिल्कुल। भाई टेरिडोफाइटा को अपन क्लासिफाई करेंगे तो चार वर्गों में बांटेंगे बिल्कुल, फोर क्लासेस में, सिलोप्सिडा बिल्कुल सबसे प्रिमिटिव सिलोटम जो लिविंग है बिल्कुल लिविंग फॉसिल है, फिर आपका लाइकोप्सिडा जिसमें लाइकोपोडियम है, स्पिनोप्सिडा जहां आपका आएगा इक्विसिटम बिल्कुल, जॉइंटेड स्टेम वाला जॉइंटेड स्टेम होगा, और आप जानते हैं कि यहाँ कैटाफिल्स बिल्कुल सल की पत्तियां जिसपे सिलिका का वो होगा, और आप समझ सकते हैं कि यहाँ लूज फोटोसिंथेटिक ये जो आप जानते हैं स्ट्रोबिलस होगा बिल्कुल, एडवेंटियस रूट्स होंगी एडवेंटियस और विंड पाइप की तरह, तो वो आपका होगा इक्विसिटम होमोस्पोरस जो है, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा इक्विसिटम। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के निम्नलिखित वर्गों पर विचार कीजिए, टेरिडोप्सिडा लाइकोप्सिडा साइलोप्सिडा स्पिनोप्सिडा, चूज द करेक्ट आंसर रिप्रेजेंट राइट अरेंजमेंट, तो अपने को पता है पहली क्लास यहाँ पे कौन सी होती है वो अपने पास होती है साइलोप्सिडा, उसके बाद में लाइकोप्सिडा, उसके बाद में
स्पिनोप्सिडा और उसके बाद में टेरोप्सिडा। तो ये यहाँ पर सही सीक्वेंस है क्लासिफिकेशन पर, इवोल्यूशन के बेसिस पे, इवोल्यूशन के बेसिस पर। तो आप फाइलोजेनी को यहाँ पे शो किया गया। हाँ, सबसे प्रिमिटिव आपकी क्या होगी, सिलोप्सिडा, बिल्कुल। फिर आपके लाइकोप्सिडा, फिर स्पिनोप्सिडा होस्टाइल, बिल्कुल। और फिर आपके फर्न जो एडवांस एडवांस टेरोफाइट्स हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो आपका हो गया कि थर्ड, थर्ड यहीं से एक में ही, थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट, फर्स्ट, बिल्कुल। आंसर विल बी फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 24, सेलेक्ट मिसमैच्ड पेयर ऑफ प्लांट एंड देयर क्लासेस, पौधों तथा उनके वर्गों के लिए असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए, साइलोप्सिडा, राइनिया। तो बिल्कुल अपन यहां पर कह सकते हैं जो राइनिया है वो साइलोप्सिडा का मेंबर है, जिसको आप कह सकते हो कि ये फॉसिल है। हाँ, एक्जिंट हो गया, फॉसिल के फॉर्म में है, फॉसिल के फॉर्म में, और सिलोटम लिविंग फॉसिल है, बिल्कुल, है ना। तो ये तो आपका करेक्ट है, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम, बिल्कुल करेक्ट है। स्पिनोप्सिडा स्पेग्नम, ये स्पेग्नम, ये तो मॉस होता है, ये तो मॉस है, ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है। स्पिनोप्सिडा तो होस्टल होते भी होता है, बिल्कुल, इक्विसिटम। टेरोप्सिडा टेरिडियम फर्न, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है मिसमैच, तो मिसमैच आपका हो गया थर्ड ऑप्शन, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज हेटेरोस्पोरस फॉर्म, कौन सा हेटेरोस्पोरस के अंदर है, स्पेग्नम, ये तो ब्रायोफाइटा है, ये तो होमोस्पोरस हो जाएगा, साल्विनिया, ये आप यहां पे कह सकते हो टेरिडोफाइटा हेटेरोस्पोरस है, लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है, आइसोइड यहां पे क्या हो गया हेटेरोस्पोरस हो गया, सिलेजिनेला साल्विनिया, ये बिल्कुल हेटेरोस्पोरस है, हेटेरोस्पोरस है, एजोला एंड ब्रायोप्टेरिस, ये तो हेटेरो लेकिन ये नहीं है, ये होमोस्पोरस हो गया। तो पेयर पूरा पूछा सिलेजिनेला और साल्विनिया, पहले पे अपन डिस्कस कर चुके हैं, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट नंबर ऑफ मिसमैच्ड पेयर, गलत सुमेलित युग्म का आपको चयन करना है। तो यहाँ देखिएगा कि टेरोप्सिडा फर्न में ओफियोब्लॉसम हो जाएगा, बिल्कुल फर्न हो गया, करेक्ट है। लाइकोप्सिडा सिलेजिनेला, बिल्कुल करेक्ट है, जो लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला आता है। लेकिन स्पिनोप्सिडा में राइनिया, ये गलत है, राइनिया साइलोप्सिडा में आता है, साइलोप्सिडा में आता है। और सिलोप्सिडा में एजोला फर्न है जो, तो ये भी गलत है। और स्पिनोप्सिडा में इक्विसिटम और स्टेला भी, हाँ, तो आप समझ रहे हैं कि ये भी आपका क्या है, सही है, सही है, स्पिनोप्सिडा में, हाँ, होस्टल आपका, तो ये करेक्ट है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपसे मिसमैच पूछे तो दो आपके मिसमैच हो गए, सी और डी, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया, करेक्ट आंसर फर्स्ट आपका हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, निम्नलिखित संरचनाओं पर विचार कीजिए, वैस्कुलर टिश्यू, ओव्यूल, प्रोटोनिमा, गेमा कप, राइजॉइड्स, टिनी लीफ लाइक अपेंडेज इन टू रोस ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स फाउंड इन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, बिल्कुल। तो वैस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइटा में है, ओव्यूल दोनों में नहीं है, प्रोटोनिमा ये जो है ब्रायोफाइटा में है, गेमा कप ब्रायोफाइटा में है, राइजॉइड ब्रायोफाइटा में है, टिनी लाइफ लिक अपेंडेज मार्केंशिया ब्रायोफाइटा में। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि देखो इसमें 1, 2, 3, 4 and 5 ये 5 स्ट्रक्चर जो है ये ब्रायोटेरिडो में पाई जाती है। तो आंसर यहां पे हो गया सेकंड ऑप्शन, सेकंड आपका आंसर हो गया, बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि भी 5 स्ट्रक्चर रिलेटेड होगी, वैस्कुलर टिश्यू टेरिडो से, बिल्कुल, प्रोटोनिमा मॉस ब्रायोफाइटा से, जेमा कप मार्केंशिया ब्रायोफाइटा से, राइजोइड ब्रायोफाइटा से, और जो आपका टिनी लीफ लाइक अपेंडिज इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर वो भी आपका ब्रायोफाइटा से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर राइट फॉर द गिवन फिगर, बिल्कुल दिए गए चित्र के लिए कितने कथन सही है। तो जो डायग्राम है वो किसका है, साल्विनिया, साल्विनिया, बिल्कुल, साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया जो एक्वेटिक टेरिडोफाइटा जलीय है और फर्न है, और हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइटा विषम बीजाणुक है, बिल्कुल। तो इट इज एन एक्वेटिक टेरिडोफाइट, ये करेक्ट है। इट्स जायगोट डेवलप इनटू यंग एम्ब्रियो विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल भाई। देखो जो हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइटा है उसमें प्रीकर्सर सीड नेचर, बिल्कुल, पूर्ववर्ती बीजी स्वभाव आया, वो एकदम सत्य बीज स्वभाव भी नहीं आया लेकिन पूर्ववर्ती आया, वो कैसे आया, एक तो हेटरोस्पोरी, एक आप समझ रहे हैं कि वो जो फीमेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल, रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, यानी फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट इन पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा हुआ है, जुड़ा होता है फॉर वेरिएबल पीरियड, बिल्कुल फॉर वेरिएबल पीरियड, वो परमानेंट नहीं हो, ये सीड हैबिट हो गई। हाँ, सीड का बनना शुरू होता है जिम्नोस्पर्म से, हाँ, लेकिन सीड हैबिट शुरू हो चुकी है, जो प्रीकर्सर नेचर वो कहां से आती है, टेरिडोफाइटा से। फिर आप जानते हैं जायगोट से यंग एम्ब्रियो जो फीमेल गैमेटोफाइट के इनसाइड ही बनता है, और फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पे रहता है, बिल्कुल। तो ये आपका करेक्ट है। इसके बाद इड्स मेल एंड फीमेल गैमेट डेवलप इन सेम प्रोथेलस, ये यहां पे रॉन्ग हो गया क्योंकि हेटरोस्पोरी होती है तो दो प्रोथेलस बनेंगे, हाँ, मेल और फीमेल, डायसिस कंडीशन होगी, गैमेटोफाइट कंडीशन है, बिल्कुल। इड्स माइक्रोस्पोर डेवलप इन माइक्रोस्पोरिंजियम, माइक्रोस्पोर डेवलप तो माइक्रोस्पोरिंजियम में होंगे लेकिन बाद में एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट शो करेंगे, है ना। और आप समझ रहे हैं कि इट रिप्रेजेंट
वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, तो ये भी करेक्ट है बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपके राइट स्टेटमेंट पूछे तो चार स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ए बी डी और ई, बिल्कुल सही आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 29, टेरिडोफाइट्स वर वेल एडेप्टेड एंड एडवांस फॉर सर्वाइवल ऑन लैंड बट दे कैन नॉट बी सक्सेसफुल एंड वाइड स्प्रेड एज जिम्नोस्पर्म बिकॉज टेरिडोफाइट स्थल पर जीवित बने रहने के लिए विकसित और अधिक अनुकूलित थे, परंतु अनावर्त बीजी पादपों जितने सफल नहीं हो पाए, क्यों? They lack of large bodies with secondary growth, नहीं ये यहाँ पे कोई इसका रीजन नहीं है। They lack of freedom from water for fertilization, बिल्कुल इसमें निषेचन के लिए जल से स्वतंत्रता का अभाव है, इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए चाहिए। भाई अपने कहा था ना इसके जो प्रोथलस है यानी जो गैमेटोफाइट है टेरिडोफाइट है उसको भी सीमित आवश्यकताओं वाला बिल्कुल बिल्कुल लिमिटेड रिक्वायरमेंट वाला जो वातावरण चाहिए, हर ऐसे वातावरण में एग्जिस्ट नहीं हो सकता, ठंडे नम छायादार स्थान चाहिए बिल्कुल, तो यानी उसको नमी चाहिए, नमी चाहिए क्योंकि एंथ्रेजोड के चारों ओर वाटर फिल्म बनेगी बिल्कुल। तो जल के मतलब निषेचन के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, जल चाहिए। तो आंसर आपका सेकंड हो गया, सेकंड है। दे लैक ऑफ इंटीग्रेटेड मेगास्पोरिंजियम, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दे लैक पोलिनेशन, ये भी नहीं है। ज्यादा करेक्ट आंसर आपका होगा सेकंड, आंसर सेकंड है बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिए सर क्वेश्चन नंबर 30, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, कॉलम एक और दो को सम्मिलित कीजिए, होमोस्पोरी हेटरोस्पोरी साल्विनिया यहाँ पर जो है ओपन कह सकते हैं किसमें आता है, हेटरोस्पोरी में आता है। बोथ गैमेट मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस बाय सिंगल स्पोर, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं होमोस्पोरी की बात आ रही। इक्विसिटम यहाँ पे कैसा होगा? होमोस्पोरस, होमोस्पोरस है। और सीड हैबिट वो शो करेगा जिसमें हेटरोस्पोरी पाई जाती है बिल्कुल। तो अपन यहाँ देख लेते हैं आपके आंसर आपका हो गया कि होमोस्पोरी एक ही टाइप के स्पोर होगी बिल्कुल, मतलब सेकंड और थर्ड, तो सेकंड थर्ड आपका ए में है, तो सेकंड थर्ड आप समझ सकते हैं ए में आपका सेकंड आंसर आपका बिल्कुल है क्लियर। तो देखिए बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट अपने आपके सामने डिस्कस किया, तो ध्यान दीजिए कि टेरिडोफाइट का सबसे पहले आप हैबिटेट आवास पढ़ें, फिर उसकी प्लांट बॉडी बिल्कुल स्पोरोफिटिक है, रूट स्टेम और लीव्स बिल्कुल, फिर एक मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद उसके ऊपर आती है स्पोरोफिल्स, उसमें स्पोरेंजिया, अगर एक ही टाइप की स्पोरेंजिया एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं तो होमोस्पोर टेरिडोफाइट जो मोस्ट ऑफ होते हैं बिल्कुल, और अगर दो टाइप की स्पोरेंजिया दो टाइप के स्पोर बनते हैं स्मॉल और लार्ज माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर उसको हेटरोस्पोरी कहते हैं, हेटरोस्पोरी जो कि सीड एपिड को भी शो करता है, प्रीकसर सीड एपिड को दर्शाएगा। और फिर आप समझ सकते हैं बेटा कि फिर आप जानते हैं स्पोर के जर्मिनेशन से जो प्रोथलस उसका गैमेटोफाइट बनता है, और गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया और आर्किगोनी, होमोस्पोरस है तो एक ही प्रोथलस में मोनोसिस कंडीशन होगी बिल्कुल गैमेटोफाइट की, गैमेटोफाइट की, और अगर हेटरोस्पोरी है तो दो प्रोथलस आपके हो जाएंगे बिल्कुल। फिर आप जानते हैं सेक्स ऑर्गन में गैमेट, गैमेट के फ्यूज होते हैं वापस जायगोट और एम्ब्रियो, यानी वापस स्पोरोफिटिक जनरेशन हो गई बिल्कुल। डोमिनेंट प्लांट बॉडी आपको स्पोरोफिटिक बताई, अल्टरनेट आपको गैमेटोफिटिक बताई, और वो भी मल्टीसेलर, तो हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल, उगमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूडियोगेमी, तो आप इसका भी लाइफ साइकिल पढ़ें बिल्कुल भाई। रूट स्टेम लीव्स के बाद में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाएं, लाइफ साइकिल पे आ जाएं, फिर लाइफ साइकिल पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन इसका बिल्कुल, तो क्लासिफिकेशन पढ़ें, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़ें बिल्कुल। तो बेटा बहुत ही अच्छे से आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी बेस्ड इस टॉपिक को आप तैयार करेंगे इस गुरु नीति के अंदर, और बिल्कुल आप इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और आप स्प्रेड करेंगे फैलाएंगे ताकि अच्छे बच्चों के काम में आ सकें, आपकी हेल्प कर सके, और टॉपिक को पहले पढ़ के और इसके साथ में टॉपिक को पढ़कर आप क्लियर करेंगे, अगला अपना जो होगा वो होगा जिम्नोस्पर्म का डिवीजन, जिम्नोस बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसको पढ़ के आना थोड़ा सा, मैं ललित सर दोनों बहुत अच्छे से आपकी मतलब हेल्प के लिए तैयार हैं, आप भी हमारी हेल्प करेंगे और हर तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे, सीएलसी हर परिस्थिति में आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।